नोएडा से इस वक्त की बड़ी खबर, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष राम निवास यादव का युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने नोएडा में जगह जगह भव्य स्वागत किया। नोएडा महानगर भाजपा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष राम निवास यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में इस बार 350 सीटों से ज्यादा जीत कर उत्तर प्रदेश में दोबारा से सरकार बनाएगी भाजपा। नए पद की जिम्मेदारी मिली है, आज स्वागत किया जा रहा है, क्या किस तरीके से पार्टी की नीतियाँ लोगों के बीच पहुँचाने की? देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में, ये एक किसान परिवार के छोटे से कार्यकर्ता, सामान्य से कार्यकर्ता को जो इतनी बड़ी जिम्मेदारी देकर के भरोसा जताया है, मैं उनके भरोसे पे पूरा एकदम उनके भरोसे को जीत कर और युवाओं को जोड़ करके एक नोएडा में अलग स्वरूप खड़ा करूँगा युवा मोर्चा का। 2022 में चुनाव है और युवा मोर्चा जो है वो पार्टी की रीढ़ की हड्डी होती है, बहुत मजबूती से युवा मोर्चा सक्रिय होती है किसी भी चुनाव में। आपको नोएडा की जिम्मेदारी मिली है, तमाम पार्टियाँ भी हैं विपक्ष की, किस तरीके से युवाओं को आगे करेंगे 22 के चुनाव के? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के हमारे युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय प्रियांशु दत्त द्विवेदी जी ने योगी जी से वादा किया है कि अब की बार 350 पार, तो हम सभी युवा मिलकर के जो उन्होंने वादा किया है हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने, हम उसको सफल बनाने का काम करेंगे और पूरे उत्तर प्रदेश में हम 350 से ज़्यादा सीट जीतने वाले हैं। राजनीतिक जीवन की शुरुआत किस सन में हुई थी और कब से आपने किन पदों से किया? देखिए, मैंने राजनीतिक जीवन की शुरुआत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में एक कार्यकर्ता के रूप में शुरुआत की थी छात्र जीवन में, और उसके बाद में मैं मंडल का उपाध्यक्ष रहा, मंडल अध्यक्ष रहा, जिले में मंत्री रहा युवा मोर्चा, और प्रदेश कार्य समिति सदस्य रहा, संयोजक दो बार रहा, और प्रदेश कार्य समिति सदस्य रहते हुए मैंने सहारनपुर, गाजियाबाद, अमरोहा, संभल, मुरादाबाद, बिजनौर, रायबरेली और लखनऊ का जो है मैंने प्रवास किया जी। अभी आप जिस कॉलोनी में आए हैं, ऐसे ऐसे तमाम कॉलोनियां हैं नोएडा में और वहाँ के हर युवा वर्ग के लोग आपके साथ में जुड़े हैं, शिष्ट नेतृत्व तक ये जन जो मूलभूत समस्याएं हैं जो लोग जिससे परेशान हैं, किस तरह के पहुँचाने का? देखिए, हम जो भी समस्या हमको दिखेगी मिलेगी उनको हम अपने प्रतिनिधियों के सामने रखेंगे। हमारे आदरणीय सांसद डॉक्टर महेश शर्मा जी, आदरणीय विधायक पंकज सिंह जी, इतना काम किया है आप सोच नहीं सकते। कच्ची कॉलोनी में जा करके देख लिए, पिछले जो 5-7 साल पहले का हाल था और जब से हमारी सरकार बनी है, क्योंकि हमारे जो प्रतिनिधियों की जो होती है निधि, उसको ज़्यादातर कच्ची कॉलोनियों में ही लगाया गया है और बहुत विकास किया है, ऐसी बात नहीं। तो आगे भी जो है हम भी अपने तरफ से जो लोगों की समस्याएं होंगी उनको हम अपने जनप्रतिनिधियों के